नमस्ते भाई। नमस्ते। आपका नाम भाई? मेरा नाम अर्जुन भाई उड़ेदरा। अर्जुन भाई उड़ेदरा। गांव का नाम? गांव का नाम चला। जिला कौन सा है? जिला जामनगर। ये घोड़ी का ओनर का नाम? ये घोड़ी का ओनर का नाम जीतेश भाई मोटवाड़िया है। ये आपके क्या लगते हैं? दोस्त है हमारे। ठीक है, तो आप ही संभालते हैं इसके घोड़ा? हाँ, हम संभालते हैं। तो ये घोड़ी का नाम? घोड़ी का नाम रेवा है। रेवा। हाँ, और ये नस्ल कौन सी है? ये काठियावाड़ी नस्ल है। काठियावाड़ी नस्ल की। हाँ, इसकी उम्र? इसकी उम्र 4 साल है। 4 साल की है। ये कलर कौन सा है? ये माकड़ा। इस कलर को आप माकड़ा कलर कहते हैं? गुजराती में इसको माकड़ा कलर बोलते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं तो हमको मालूम नहीं है। और हमारे व्यूअर्स को पता हो कि ये कलर को कौन सा कहते हैं तो मेरे को जो कमेंट करके जनाए कि ये कलर कौन सा, आपके यहाँ ये कलर को क्या कलर कहते हैं। तो ये काठियावाड़ी घोड़ी है, काठियावाड़ी घोड़ी का मार्किंग क्या है भाई? काठियावाड़ी घोड़ी का मार्किंग ये है, मुंह छोटा होता है इसका, कपार बड़ा होता है। हाँ, और ये पूरा पट्टा रहता है ऊपर। और ये पैर में जिब्रा जिब्रा क्रॉसिंग। हाँ, इसको जिब्रा मार्किंग बोलते हैं। जिब्रा मार्किंग बोलते हैं इसको। ये घोड़े काठियावाड़ी घोड़े का सबसे ओरिजिनल नस्ल का ये मार्किंग होता है। तो इसकी मार्किंग क्या है? इसकी मार्किंग माथे पे पूरा ब्लेज है और दो पैर सफेद पीछे वाले। ये घोड़े का बाप का नाम? ये गवर्नमेंट स्टेलियन चंद्र है इसके बाप का नाम। चंद्र की बेटी है, चंद्र गवर्नमेंट स्टेलियन। वो कहाँ पे है? वो भी राजकोट में है शायद। आपको नहीं पता है कहाँ पे है? हाँ, कहाँ पे? राजकोट में है शायद अभी। ये चाल की कैसी है भाई? चाल की बहुत अच्छी है। कौन सी रेवाल चाल कैसी? रेवाल चाल सभी प्रकार की चाल यहाँ पे चल सकती है। और रेवाल में 35-38 तक चल सकती है। हाँ, ठीक है। और काठियावाड़ी घोड़े चलने में ही बेहतर होते हैं? बेहतर होते हैं। और रेवाल चलने में भी ज्यादातर रेवाल चलने में बहुत अच्छे रहते हैं भाई। हमने सुना है ये काठियावाड़ी बहुत ही मालिक के प्रति वफादार रहते हैं, तो कोई किस्सा आपके पास हो तो सुनाइए। मालिक के सिवा किसी और को भी बैठने देगी और ये कब कोई और बैठने भी जाएगा तो उसको पास भी नहीं आने देगी, दूर चली जाएगी अथवा तो उसको कोई और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। मालिक के सिवा किसी को नहीं बैठने देगी। अच्छा, इतना अग्रेसिव होते हैं काठियावाड़ी। बढ़िया घोड़ी है। ये कलर तो गोल्डन जैसा लग रहा है मेरे को, थोड़ा बहुत गोल्डन जैसा जैसा, लेकिन हमारा गुजरात में इसको गुजराती में माकड़ा कलर बोलते हैं। कलर बहुत बढ़िया है। इसके पैर बेर पुट्ठे बुट्ठे सब बढ़िया रहते हैं। बढ़िया। इसकी चेस्ट भी बहुत बढ़िया है, तभी ये चलने में बढ़िया रहती है। काठियावाड़ी घोड़े सबसे ज्यादा चलने में ही रहते हैं, थकेगी नहीं कभी। मैंने तो बहुत सुना है कि 100-100 किलोमीटर तक चलते हैं, आराम से चली जाएगी। वो मारवाड़ी के कंपैरिजन में ज्यादा चलती है। सिंधी भी है चलने वाले, लेकिन काठियावाड़ी को चलने में नहीं पहुंचते। इसका हाइट के हिसाब से ही नहीं चलने में ज्यादा होती है ना? हाँ, इस आपको इसमें क्या खासियत लगती है? आपको खासियत यह काठियावाड़ी घोड़े जैसा घोड़ा कोई और सुंदर नहीं होगा। इसके कलर और ये चलने में अच्छे हैं। अगर घर पे रखे होंगे तो भी आप घर की शोभा ज्यादा बढ़ाएंगे। इसके जैसा और कोई सुंदर घोड़ा नहीं लगेगा आपको। ठीक है अर्जुन भाई, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी थैंक यू, मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए। शुक्रिया।